गुड मॉर्निंग किड्स टुडे वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक महीनों के नाम लिखो महीनों के नाम लिखो सुबह वी स्टार्ट विद मी आपको पता है वर्ष का पहला महीना कौन सा होता है मैंने उस दिन आपको वीडियो में करवाया था वीडियो में करवाया है ना बेटा वीडियो में लास्ट में पहला महीना लर्न किया है आपने तो बेटा लर्न करना है पहले उसको आपने पहले उसको आप लर्न करोगे जनवरी ज न व री रह कौन सी मात्रा आ रही है बड़ी की जनवरी ओके okay. और दूसरा महीना कौन सा था फरवरी फर बी फरवरी 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 आफ्टर मार्च मा, मार्च आपको पता है मार्च में र कहाँ आता है च के ऊपर मैं आपको अगेन बता रही हूँ मार्च में र कहाँ आएगा च के ऊपर क्लियर मार्च आफ्टर अप्रैल बेटा अप्रैल अ प, और बेटा अब र कहां पे आएगा प के पैरों में अप्रैल में रह कहाँ आएगा प के पैरों में लाइक देश स्लैट लाइन ऐसे लगेगी एंड ऊपर से ए की मात्रा ल अप्रैल आफ्टर मई म ई स्पीक एंड राइट मई आफ्टर मई आफ्टर जून मई आफ्टर जू न और बेबी जून आफ्टर जू लाई स्पीक एंड राइट जू ला ई ओके जुलाई आफ्टर अगस्त ग अगस्त में बेटा स क्या आएगा आधा हाफ स आएगा हाफ स में आप स्टेट वन नहीं बनाओगे और तर जो स्लीपिंग लाइन है जो इसको त से टच करोगे लाइक दिस बिल्कुल टच हो जानी चाहिए स्लीपिंग लाइन तह से अगस्त अगस्त आफ्टर सितंबर सी सि कौन सी मात्रा को छोटी की सी और बेबी इसमें सितंबर में म भी हाफ आएगा आधा सितम र सितंबर।, सितंबर आफ्टर बेटा अक्टूबर अक, आ, अब क अब बेटा अक्टूबर में क भी हाफ आएगा आधा आएगा अक्टूबर में अक बर अक्टूबर में हाफ आएगा कौ क्लियर नवम नवम्बर वो म और नवंबर में म क्या आएगा हाफ नवंबर में म क्या आएगा हाफ हाफ का मीनिंग बेटा इसमें स्टेट वन नहीं बनता हाफ में जो आप लगाते हो ना स्टैंडिंग लाइन वो नहीं लगती र नवंबर नवंबर आफ्टर दिसंबर दि र दिसंबर और दिसंबर में भी क्या आएगा दिसंबर में भी ये हाफ़ आएगा मो दिसंबर दिसंबर म हाफ आएगा ओके क्लियर फर्स्टली आपने इसको केयरफुली लर्न करना है कि कहाँ पे र कैसे आएगा मार्च में रह कहाँ आएगा अप्रैल में कहाँ आएगा और म कहाँ पे आधा आएगा कहाँ पे क आधा आएगा अक्टूबर में क आधा आएगा ये आपने पहले इसको माइंड में अच्छे से पुट कर लेना है उसके बाद आपने उसको राइट करना है क्लियर Thanks and have a good day.